सो गाइज फाइनली हमारे गेम में आ गया दिमित्री वेगस का टॉपअप इवेंट। और गाइज यहाँ पे आपको 200 डायमंड टॉपअप पे मिल जाएगा दिमित्री का बिल्कुल फ्री में कैरेक्टर। और गाइज यहाँ पे इसकी एबिलिटी में आप बात करने वाला रहूंगा और गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी इसकी एबिलिटी होने वाली रहेगी। तो गाइज यहाँ पे आपको 200 डायमंड के टॉपअप पे दिमित्री दिया जा रहा है और गाइज इसका 500 डायमंड के टॉपअप पे आपको मिल जाएगा इसका बंडल जो कि काफी सही उसको भी बनाया गया। तो गाइज मतलब कैरेक्टर उतना खास नहीं बनाया गया लेकिन गाइज इसकी एबिलिटी बहुत ओपी होने वाली रहेगी। तो गाइज इसमें तीन एबिलिटी आपकी होगी जो कि तीनों एक्टिव होगी लेकिन गाइज यहाँ पे कैसी होगी वो आपको मैं दिखा दूंगा यूज करके। सो गाइज चलो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में और गाइज चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी थोड़ी गेम को डिसबैलेंस करने वाली बनाई गई है क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी एक एबिलिटी नहीं तीन तीन एबिलिटी है। तो गाइस देख सकते हो पहली एबिलिटी ये आपको मतलब आपको जो दोस्त आपके होते हैं उनको रिवाइव करेगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मतलब एक ग्रीन ग्रीन सिंबल आ रहा, अगर इसके रेंज में आपका दोस्त आ जाएगा तो उसके ऊपर आप देख सकते हो बगल में सेल्फ रिकवर का ऑप्शन आ गया। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपका पहला ये मतलब ये एबिलिटी हो गई। और गाइस यहाँ पे आपको मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो बंदा ये नॉक हुआ और गाइस यहाँ पे आप जब दिमित्री की एक्टिव मतलब स्किल ऑन होगी तो देख सकते हो हरा हरा जो ऑप्शन आ रहा है उसके अगर रेंज में आपका दोस्त रहेगा तो रिवाइव हो जाएगा सेल्फ। और गाइस यहाँ पे पहली एबिलिटी हमारी ये हो गई। और गाइस यहाँ पे दूसरी एबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एचपी भी आपको ये प्रोवाइड करेगा। और गाइस तीसरी एबिलिटी तो बहुत खतरनाक होने वाली रहेगी जो आपको मैं आगे दिखा दूंगा। तो गाइस देख सकते हो फिर से यहाँ पे मतलब आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी, आपका दोस्त अगर उस रेंज में आ गया तो उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा सेल्फ रिकवर। और गाइस उसके बाद आपको मतलब आपका टीममेट खुद रिवाइव हो सकता है। तो गाइस ये भी काफी सारी एबिलिटी बनाई गई है लेकिन गाइस गेम को डिसबैलेंस करने वाली जो एबिलिटी आपको मैं दिखाऊंगा उसको देख के आप क्या कैसे चौड़ी हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मतलब एक तो काफी सही रखा गया और गाइस यहाँ पे आपको ये 50 से 80 एचपी भी प्रोवाइड करता है जब मतलब आपके दोस्त को भी प्रोवाइड करेगा आपको भी प्रोवाइड करेगा। सो गाइस यहाँ पे आपने पहली एबिलिटी मतलब दो एबिलिटी यहाँ पे देख ली और गाइस चलो मैं आपकी तीसरी एबिलिटी की बात करता हूँ जो कि बहुत डेंजर एबिलिटी होने वाली है। सो गाइस तीसरी एबिलिटी है हमारी सेल्फ रिकवर वाली जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो बंदा जैसे नॉक हुआ और गाइस यहाँ पे सेल्फ रिकवर का ऑप्शन आ गया, उसके बाद आप लोग खुद ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाओगे, कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि मतलब कितना खराब यहाँ पे मामला रखा गया कैरेक्टर में। तो गाइस देख सकते हो फिर से सेल्फ रिकवर का ऑप्शन आ गया और गाइस फिर से यहाँ पे बंदा खुद को रिवाइव कर लिया। और गाइस मतलब कतई जहर एबिलिटी भी इसको हम कह सकते हैं लेकिन गाइस यहाँ पे गेम का डिसबैलेंस बहुत खराब हो जाएगा क्योंकि भाई देख सकते हो बंदा मार रहा है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका फुल कवर में आके अगर आप नॉक होंगे तो आप लोग खुद को रिवाइव कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जिसके पास दिमित्री कैरेक्टर होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और गाइस इन फ्यूचर गिनना इस पर काम करेगी कि मतलब इसकी एबिलिटी को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाए क्योंकि भाई क्रोनो जब शुरुआत में आया था तो बहुत सारा बवाल चला था गेम में। और गाइस जब ये दिमित्री जब आएगा तो आप लोग सोच लो कितना मतलब डिसबैलेंस गेम का होने वाला रहेगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि तीन एबिलिटी होने वाली रहेगी एक कैरेक्टर में और तीनों एक्टिव ही समझो क्योंकि भाई यहाँ पे आपके मतलब दोस्त को रिवाइव कर दो रेंज में ला के और गाइस खुद को मतलब एचपी देना और गाइस दोस्त को भी एचपी देना और गाइस सेल्फ रिकवर। तो आप लोग सोच लो एक कैरेक्टर में तीन एबिलिटी रखी जाएगी। और गाइस यहाँ पे मतलब टॉपअप इवेंट जो आया है उसमें 200 डायमंड का मतलब दिमित्री दिया जा रहा है तो गाइस आप लोग ले सकते हो। और गाइस यहाँ पे इन फ्यूचर मैं कहता हूँ कि गरना इसकी एबिलिटी में चेंजेस करेगा पक्का, आप लिख के ले लो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी समझ में आ गई होगी। और गाइस यहाँ पे आपको कई सारे बंदे बताएंगे कि एक ही एबिलिटी होगी लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने आपको तीन एबिलिटी गिना दी, मतलब आप दोस्त को भी रिवाइव कर सकते हो खुद भी रिवाइव हो सकते हो और गाइस एचपी भी आप अपने आप को ले सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आपको कैसा लगा कैरेक्टर आप लोग कमेंट में बताना और गाइस यहाँ पे टॉपअप इवेंट में आया तो आप लोग या नहीं ये भी मेरे को कमेंट में बता देना। तो गाइस यही थी वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।